मुरादाबाद से यूनाम की चोटी को फतेह करने के लिए निकले अर्जुन वर्मा ने 15 अगस्त के दिन यूनाम की चोटी पर तिरंगा फहराकर मुरादाबाद का नाम रोशन किया। अर्जुन वर्मा और नूर मोहम्मद ने 6110 मीटर की चोटी पर चढ़ाई करके देश का झंडा फहराकर मुरादाबाद का नाम रोशन कर आज वापस मुरादाबाद पहुंचे। यूनाम की चोटी को फतेह करने के बाद मुरादाबाद पहुंचे अर्जुन वर्मा और नूर मोहम्मद का सीता रसोई तथा अन्य समाज सेवी लोगों के द्वारा दोनों ही पर्वतारोहियों का स्वागत किया गया और उन्हें फूल मालाएं पहनाकर उनका उत्साह बढ़ाया गया। इस दौरान सभी ने अपनी शुभकामनाएं देते हुए कहा कि एक दिन देश का नाम भी आपके द्वारा रोशन किया जाएगा। इस अवसर पर मिठाई बांटकर भी खुशी का इजहार किया गया। मैं सभी को सबसे पहले भैया दोनों अनु जी को और नूर मोहम्मद जी को मैं बधाई देना चाहूँगा कि इनकी यात्रा संपूर्ण हुई और हम लोगों ने सीता रसोई से ही इन लोगों को यात्रा के लिए शुभकामनाएं दी थी, यहाँ से विदा की थी और पुनः आज ये सीता रसोई पर आए हैं। माता सीता और प्रभु श्री राम का आशीर्वाद इन पर बना है और भारत सरकार भी हमारा खेलों के प्रति बहुत बढ़ावा दे रही है, तो मैं चाहूँगा कि इसी तरह से ये लोग आगे बढ़ते रहें, आगे तरक्की करते रहें और आगे माउंट एवरेस्ट और उससे भी ऊंची चोटियों पर ये चढ़ें, यही मेरी इनके प्रति शुभकामनाएँ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपका? अनुज वर्मा। अच्छा, कहाँ गए थे, क्या कहना चाहेंगे आज के वेलकम को लेकर? मैं यूनाम ट्रैकिंग पे गया था मनाली, 10 तारीख से 17 अगस्त तक का ट्रैक था हमारा। कैसा रहा सफर? बहुत अच्छा रहा, बहुत बढ़िया रहा। अच्छा, आज सभी ने आपका स्वागत किया गया है, क्या कहें? हमने मेरे बड़े भैया अनिल जी को बहुत बहुत धन्यवाद बोलूँगा कि इन्होंने मेरा बहुत अच्छे से वेलकम किया है और साथ में मेरे बड़े भैया उदय भान जी को। टूर अच्छा रहा और अभी आपको जो रवाना किया था एडीएम सिटी के द्वारा किया गया था, उनके लिए क्या कहेंगे? एडीएम सिटी के सर के लिए इनका बहुत बहुत शुक्रिया कि इन्होंने मेरा वेलकम किया था और मेरे को सपोर्ट भी किया। मेरा नाम पर्वतरोही नूर मोहम्मद, मैं मुरादाबाद ज़िले से ही बिलोंग करता हूँ। अच्छा, कैसा रहा आपका सर? ये देखिए, ये एक टूर नहीं था सर, ये हिंदुस्तान एडवेंचर फाउंडेशन की तरफ से एक एक्सपीडिशन लॉन्च किया गया था जो कि 6110 मीटर का था और काफ़ी एल्टीट्यूड था वहाँ पे और काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा जिसकी वजह से हम लोग समिट पॉइंट तक पहुँचे थे और बीच बीच में रास्ते भी बहुत कठिन होते हैं, पहाड़ी क्षेत्र में चलना बहुत मुश्किल होता है, फिर अपना पूरा सारा लोड लेके लोड अप डाउन करना, एक दिन जाना एक दिन आना, ये बहुत सारी कठिनाइयाँ होती हैं सर। इसमें आज आपका वेलकम हुआ है, क्या कहना सर? मैं अपने सभी सहयोगी, अपने सीता रसोई के जितने भी सहयोगी हैं, मैं उनका बहुत दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन लोगों ने मुझे इस काबिल यहाँ तक बनाया, मेरे स्वागत के लिए यहाँ पे आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ अनिल सक्सेना जी को और जो भी सीता रसोई के सहयोगी हैं, सपोर्टिंग हैं, सभी को मैं बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ।